ग्वालियर पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। बदमाश घटना को अंजाम देते उसके पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। ग्वालियर शहर की बहुड़ापुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो देसी तमंचे बरामद किए हैं। इन लोगों के पास से 3 जिंदा राउंड भी बरामद किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पहली कार्रवाई डीआरपी लाइन में निर्माणाधीन पुलिस क्वार्टर के पास की गई, जहाँ आरोपी सरस्वत शर्मा संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ था। उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं। तलाशी लेने पर उसकी कमर में लगा 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा राउंड मिले। वहीं बहुड़ापुर पुलिस को दूसरी कामयाबी सागरताल रोड पर हनुमान मंदिर के पास मिली। ये लगातार सेंट्रल जोन में और ग्वालियर में हम लोग जो अवैध हथियार हैं उनके खिलाफ लगातार हमारी कार्रवाई है, और इसमें जिस तरह के मनचले जो लेके चलते हैं और पब्लिक प्लेस पर हवाई फायर करते हैं उन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी तारतम्य में कल बहुड़ापुर थाने में 2 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है, जिनमें काफ़ी दिनों से हमें उनका इनपुट मिल रहा था कि ये अवैध हथियार लेके चल रहे हैं, तो कल उनको दोनों को गिरफ्तार करके अलग अलग प्रकरण पंजीबद्ध किया है, और उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है कि कहाँ से इनके पास में ये हथियार उपलब्ध होते हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड इन लोगों के? इनमें से एक आदमी का आपराधिक रिकॉर्ड है और दूसरे का अभी, और हम बाकी सभी थानों से ले रहे हैं, और लेकिन उसका जो एक्टिविटी है वो थोड़े से सस्पिशियस रही है, तो जैसे ही क्रिमिनल रिकॉर्ड आएगा बता दीजिए।